is from? France. Oh, France? Yes. Yes. Oh, you like Buddha? Oh, yes. Yeah. Thank you. You too? Yeah. गाइस निकल रहे हैं हम लोग, अभी अकेले ही निकल रहे हैं लुम्बिनी के लिए। अभी देखते हैं कितना टाइम लगता है, ये रिक्शा में बैठे हुए हैं। अब ये जितना टाइम लगे अब जाने में, बाकी आके दिखाते रहूँगा मैं। दोस्तों अभी अंदर तो मैं घुस चुका हूँ, लेकिन जाना है काफ़ी दूर और पैदल ही जा रहे हैं, क्योंकि इधर देख रहे हैं पूरा गेट और एंट्री गेट जो है ना मेरे पीछे, देख सकते हैं आप लोग इधर। और क्या ही बताएं, जो अनजान अगर आएगा ना तो लूट के राजा बन जाएंगे नेपाल के लोग, क्योंकि भैया इतना महंगा कहो मत। जो नहीं जानता अगर 10 का 20 तो ले ही ले रहे हैं। और जो लोग अगर आप पूछ के नहीं बैठ रहे ना किसी की गाड़ी में और पूछ के बैठ रहे हैं भाड़ा कितना है तो ठीक है, नहीं पूछ के तो भैया पता नहीं कितना ले लेगा, कुछ भरोसा नहीं। तो दोस्तों आगे चलते, देखते रहिए आप लोग भी और आगे हम भी देखते हैं। फर्स्ट टाइम है मेरा नेपाल में और लुम्बिनी में भी। दोस्तों देख लीजिए कितनी बड़ी विडम्बना है, यहाँ है बुद्ध भगवान की धरती और बुद्ध भगवान का मंदिर, लेकिन यहाँ पर शादी हो रही है। इतनी बड़ी विडम्बना है कि क्या ही बताया जाए, देख सकते हैं आप लोग। नहीं कुछ बोलूँगा उससे आगे, बस समझ जाइए कि जो शादी हो रही है किसी और तरीके से हो रही है। तो है फर्स्ट टाइम, लेकिन मैं भटक रहा हूँ, जाऊँ तो जाऊँ कहाँ, इधर उधर भटक रहा हूँ। ये बगीचा है पूरा, अब देखते हैं पूछते पूछते निकलेंगे कि मुख्य मंदिर कहाँ पे है, क्योंकि सब लोग सोचते हैं कि मुख्य मंदिर के पास जाएं देखें। और अभी तो मैं भटक रहा हूँ बगीचे में, कुछ नहीं समझ में आया, लेकिन किसी ने बताया कि आप इधर से जाइए उधर मंदिर है, तो मैं जाके एक बार देखता हूँ, ट्राई करता हूँ, फिर निकलता हूँ किसी और तरफ। बाकी मैं दिखाऊँगा आप लोगों को, वीडियो में बने रहें कंटिन्यू। उसके बाद देखिए एक छोटा सा स्टैचू लगा हुआ है बुद्ध जी का, ये लॉर्ड बुद्धा है, शायद लॉर्ड बुद्धा इनको बोला जाता है। एक छोटा सा स्टैचू लगा हुआ है, बाकी आगे जाते हैं। आप लोगों ने बहुत सारा वीडियो में फोटोज में देखा होगा, वो चीज़ें मैं अभी अपने साथ दिखाऊँगा अपने वीडियो में, देख सकते हैं पूरा। ये चीज़ें आप लोग देखते होंगे, ये मैं जूम करता हूँ, बहुत दूर है अभी। मेन मंदिर था, मैं वहाँ गया नहीं क्योंकि आइडिया नहीं था, तो मुझे लगा कि मंदिर उधर नहीं है। मैं आ गया इस साइड और इस साइड का मैं मंदिर दिखाता हूँ और कुछ नहीं दिखा। सबसे पहले आते ही मुझे देख लीजिए बुद्धा जी का एक स्टैचू दिखा, जो कि काफ़ी बड़ा है और उससे भी बड़ा मैं दिखा रहा हूँ आप लोग को। देखिए लॉर्ड बुद्धा का स्टैचू उधर है, ये देखिए लॉर्ड बुद्धा का, ये बुद्धा का। तो बाकी मज़ा तो आ रहा, लेकिन हूँ अकेला, थोड़ा फील हो रहा है कि मैं अकेला हूँ, तो थोड़ा मज़ा मेरा ख़त्म हो जा रहा है, क्योंकि अकेले रहने का कोई मज़ा ही नहीं है यार। अकेले घूमो, वैसे साथ में दो बंदे रहो, साथ में बात करो, मौज करो, बात करते करते निकल दो जिधर मन करे। अभी फ़िलहाल देख लीजिए, होता ना आप लोगों ने थाईलैंड में हर जगह जैसे घर वगैरह देखा ही होगा, इधर सारे घर वैसे ही देखे दिखाई दे रहेंगे आपको, देख सकते हैं पूरा का पूरा सेम वही चीज़ है। और इधर कितने सारे टूरिस्ट तो ज़्यादा नहीं दिखाई दे रहे मुझे, लेकिन टूरिस्ट आए हुए हैं बाहर के, मतलब इंडिया के छोड़ के, जैसे नेपाल के लोग तो यहाँ के प्रॉपर हैं ही, और यहाँ के लिए अगर कोई टूरिस्ट होगा तो अन्य देश के, नेपाल के छोड़ के। तो अभी मैं भी यहाँ पे टूरिस्ट ही हूँ, मैं विदेशी हूँ नेपाल में। और ये देख सकते हैं अभी यहाँ पर काम चल रहा है। सुंदर प्रतिमा है, देख सकते हैं आप लोग। और जलने वाले तो बहुत सारे यहाँ भी मिल गए यार, मुझे लगता है जहाँ तक
क्योंकि जब मैं फ़ोटो खिंचवाने के लिए किसी बंदे को मैंने फ़ोन दिया ना अपना, तो उनका सर कट गया, तो मैं बोला भैया आया नहीं, तो बोल रहा है ले ला हो भगवान के साथ हवा। इसका मतलब वो लोग बुद्ध भगवान को मानने वाले लोग नहीं थे, यहाँ से सीधे सीधे पता चलता है। अभी बहुत यहाँ घूम के 365 डिग्री अगर घूमूँ ना मैं, तो चारों तरफ मतलब कि मंदिर ही मंदिर, अब बढ़िया से बढ़िया मंदिर दिखाई देंगे। और पीछे बुद्धा जी का जो स्टैचू लगा हुआ देख सकते हैं आप लोग। बाकी और घूमता हूँ मैं, देखता हूँ अंदर घूम के बताता हूँ, फिर मज़ा आएगा फिर बाकी घूम के। ना इधर से सुंदर लग रहा है, इधर के लिए नहीं रोके हैं अंदर के लिए बस मना है। तो कई जगह ऐसा है ना कि जहाँ पे हम बोल नहीं सकते, वीडियो भी नहीं बना सकते, फ़ोटो भी नहीं ले सकते, और कहीं कहीं तो एकदम बोलना ही नहीं है, फ़ोटोज़ वगैरह ले सकते हैं। तो वहाँ पे तो मैं गया ही हूँ, बाकी देख लिया कितना सुंदर लग रहा है ना, मैं फ़ोटोज़ भी ले लेता हूँ वीडियो के साथ साथ। बाकी भीड़ तो है अभी, देखिए यहाँ तो एंट्री ही नहीं है, पता नहीं क्यों, कोई होगा यहाँ पर रहता होगा जो। अभी इस टाइम भीड़ नहीं है, बाकी थोड़ी देर बाद भीड़ देखते होगी। घूमने का मज़ा तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन क्या ही बताएं, अगर फ़ोटो भी अगर क्लिक करवाना ना तो किसी को पकड़ो, वो भी मन से फ़ोटो क्लिक नहीं, वो भी मन से फ़ोटो क्लिक नहीं करते हैं। तो अभी जो ये पीछे का मंदिर मैं ये है अभी मैं दिखाया हूँ, इसको जर्मन सरकार ने शायद बनवाया है यहाँ पे। काफ़ी सारे मंदिर हैं, लेकिन अभी जान लीजिए घूमने का मज़ा यहाँ तभी है जब आपके साथीगढ़ आपके साथ में हो कोई, और कुछ लोग हो तो मज़ा कुछ अलग ही होता है, कोई भी आपका पार्टनर हो साथ में। तो बहुत सारे अभी मंदिर हैं यहाँ पे, कहाँ कहाँ घूमे, बहुत ज़्यादा घूम लिया। अब निकलूँगा मैं घर के लिए सुनौली बॉर्डर, और वहाँ पे जाऊँगा कार में, थोड़ी देर रेस्ट करूँगा, चाय नाश्ता पानी करूँगा अपने इंडिया में, और उसके बाद फिर रवाना हो जाऊँगा घर के लिए। तो अभी तो ब्लॉग को एंड नहीं करूँगा, कंटिन्यू रहेगा, क्या पता कुछ अभी आगे और मिले, बाकी मैं दिखाता रहूँगा आप लोगों को। चलो दोस्तों, फाइनली मैंने लास्ट वाला जो था ना मंदिर, मैंने वो घूम लिया, और घूमते घूमते मैं निकल गया हूँ नाव में फिर से बैठ के जाने के लिए। अभी जब मैं आया था तो नाव में बैठ के आया था, लगभग 15 मिनट की मेरी वो सफ़र था, 15 मिनट का सफ़र था मेरा, वो कम से कम तो 15 मिनट रहा होगा। दिखने में तो लग रहा था कि बहुत पास में जाना मुझे, लेकिन जब मैं आता गया ना, तब एहसास हुआ कि बहुत दूर जाना अभी, और इधर से मैं टाइम देखूँगा कि कितना टाइम लगता मुझे जाने में। और फिलहाल यार मुझे समझ में नहीं आ रहा है, एक रास्ते पे जाना है, रास्ता इधर किधर से जाएगा, ट्राई करता हूँ इधर से जाने का, क्या करना, थकना तो एक ही दिन है क्योंकि रोज़ रोज़ आना नहीं है। अभी नाव में बैठते जाके। चलो आप लोगों को एक बातें और बताता हूँ कि इंडिया और नेपाल जो बॉर्डर है बहुत ही सटे हुए करीबी देश है, समझ लीजिए तो, और नेपाल का एक्सपोर्टिंग जो होता है ना इंडिया से ही होता है, जितने भी सामान आती हैं, मतलब मैं पूरा तो नहीं कह सकता, जहाँ तक मुझे जानकारी है कि बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट इधर होता है, इंपोर्ट आउटपोर्ट मतलब होता ही रहता। चलिए कोई बात नहीं, तो कहने का मतलब ये है कुछ भी हो जाए, जो इंडिया के गाने हैं ना नेपाल में खूब चलते हैं। खूब का मतलब ये कि यहाँ के नेपाल के लोग ही सुनते हैं, नहीं कि इंडिया के जो लोग हैं वही सुनते हैं। तो मैं अधिकतर देखा हूँ कि गाड़ियों में अन्य जगह भी लोग इंडिया के जो गाने हैं ना बड़े चाव से सुनते हैं, हिंदी हो चाहे भोजपुरी गाने हो। और मैं अभी तक जितना सफ़र किया हूँ बस से, उसमें हिंदी गाने ही मैंने सुना, और कई लोगों को तो मैंने सुना भोजपुरी गाने चलाते हुए, अपने ऑटो में चलाते हुए मैंने देखा है, कुछ सुना अपने कानों से। तो भैया इंडिया का गाना चलता है विदेशों में, चाहे लॉलीपॉप वाला हो चाहे कोई भी हो, गाने तो चलते हैं। और हमारे इंडिया के सदाबहार गाने जो है ना वो तो सदाबहार हमेशा रहेंगे। तो अभी देखिए ये मंदिर बन ही रहा है, अभी कहाँ की सरकार बनवा रही मुझे नहीं पता, क्योंकि यहाँ पे कई देशों के सरकार, यहाँ एक पीछे एक मंदिर था जहाँ की जापान के सरकार ने उसको बनवाया है, अब इसको कौन बनवा रहा है मुझे नहीं पता, अभी तैयार हो रहा है। और यहाँ पे काम बहुत ज़्यादा काम अभी चल रहा है, बहुत ही अच्छा सुंदरीकरण होगा यहाँ पे, जहाँ तक मुझे आशा है।
देखिए बहुत ज्यादा काम इधर चल रहा है, रोड का काम। आर यू फ्रॉम फ्रांस? यू लाइक बुद्धा? थैंक यू। यू टू? या YouTube पे तो डालना ही है, तो मैं सोचा कि ये बढ़िया क्लिप रहेगा भाई। वैसे फाइनली मैंने देखा है, जब मैं कुशीनगर गया था ना, तो एक मेरा भाई था, ट्राई किया सेल्फी लेने के लिए, उन्होंने साफ साफ इनकार कर दिया। पता नहीं किस बात का यार घमंड ईगो कि सेल्फी लेने के लिए। ये अच्छा लगता है थोड़ा मिल के इन लोगों से, और इन लोगों को भी लगता है। मैं जा रहा हूँ फाइनली नाव पर बैठने के लिए, और नाव देखते हैं मेरी मंजिल तक लेके जाएगी, पूरा नहीं थोड़ी दूर तक। अभी घूमूंगा तो बहुत सारे, जान लीजिए बहुत सारी जगह घूमने के लिए, रात हो जाएगी भाई।